सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, तदा सिंधिन जे लाइ अगर रिश्तो गोल्यो था पिया, त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। त ई काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल बि माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया हिननि जी, उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे बि मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। Rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। फाउंडेशन पिछले साल भी और इस साल भी ये जो अभियान चला रहे, दिवाली हटरी रिसाइकल अभियान हम चला रहे हैं। यह मकसद यह है कि हम करीबन 2 साल से ये जो चला रहे हैं, लोग जो है हमारे सिंधी समुदाय जो है खासकर, वो हटरी इस्तेमाल करते हैं दिवाली पूजा में। 3 दिवस के लिए वो हटरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिया जलाते हैं, मिठाई रखते हैं, लेकिन वो पूजा करने के बाद लकड़ी और मिट्टी की बनी हुई जो हटरी है ये क्या करते हैं, काफी सारे लोग जो है सड़क पर किनारे पर छोड़ देते हैं, चौक पर छोड़ देते हैं या फिर नदी में डालते हैं। हीरा घाट एक ऐसा परिसर है, तीर्थ स्थान माना जाता है हमारे सिंधी समुदाय में, वहां छोड़कर चले जाते हैं या नदी में डाल देते हैं। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि हम इसको रिसाइकिल करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, खासकर हम लोग नदी को पोल्यूशन होने से बचा रहे हैं, प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, सड़कों को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। हम क्या करें, लोगों से हमने अपील की कि आप 10 से 1 बजे तक आइए, अपनी हटरियां यहां लेकर आइए, सड़क पर न डालें, न रखें, और नदी में भी आप मत डालिए। आप देख सकते हैं हमारी जो नदी है यहाँ हीरा घाट पर, पूरा एकदम क्लीन है नदी। यहाँ पर अभी किसी को भी हमने अलाउ नहीं किया कुछ डालने के लिए, हमने जो है पूरा ध्यान रखा। हमारी टीम है, हमारे साथ काफी सारे एनजीओ हैं, हमारे साथ जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति, जय झूलेलाल सेवा समिति, रक्षक फाउंडेशन है, सिमरन सेवा फाउंडेशन है, एवरग्रीन सीनियर सिटीजन, दादा देवीदास बारवानी जी आए हमारे साथ, एसएसटी कॉलेज की डीएलएलई यूनिट है, टीम है पूरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी स्वच्छगिरी फाउंडेशन की 20-25 लोगों की जो टीम है, आज हम सुबह से यहाँ है। दिवाली के चौथे दिन पे हम ये यूजुअली एक्टिविटी करते हैं, लोगों को अपील करते हैं कि आप हटरी जो है कहीं भी ना रख के आप यहाँ लेकर आए, हम उसको रिसाइकिल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पूरा हटरी, आप गोनियां देख सकते हैं, लाखों हटरियां, हजारों की तादाद में हटरियां जो हम लेकर जा रहे हैं, गोनियों में डाल के जा रहे हैं, हम कहीं रखेंगे प्लेस पर और उसको 2 महीना प्रोसीजर करेंगे, लकड़ी अलग करेंगे और मिट्टी जो है हटरी की, उस मिट्टी को हम जो है उसको स्मैश करेंगे, उस मिट्टी का ट्री प्लांटेशन में यूज करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारी नदी जो है वो पर्यावरण की रक्षा हो रही है, नदी की सुरक्षा हो रही है, पोल्यूशन नहीं होगा नदी में ना सड़क पर। वैसे आप देखेंगे शहर शहर में चौक चौक पर होगा, अब आपको नहीं दिखाई देगा। यह जो कार्य है, यह एक्टिविटी जो है, ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है और यह आज चौथे दिन पर हम कर रहे हैं सुबह से लगातार। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।